गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 8th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इन जो नंबर दे रखे हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट इसका 7/4, 7/4, 7/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/4 को 7/4, 4 × 1 = 4, रिमाइंडर 3, 3 रिमाइंडर, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 1 × 3/4, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर 7/4 को। ये है नंबर लाइन, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इसके हम इसे हम कैसे पॉइंट डाल देते हैं, 0, 7/4 है तो इसको हम 1/4, ऐसे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 कितना होता है 1, यहाँ लिख दिया 1, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 8/4 कितना होता है 2, क्योंकि 8/4 कैंसिल होकर 2। रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करना है, 7/4, तो 7/4 कहाँ पर है, ये 7/4। इसी तरह से आगे -5/6, -5/6 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन खींच दी, इसको हमने पॉइंट डाल दिया -8/6, -7/6, -6/6, यहाँ पर 0 0 0 0 से इस साइड, क्योंकि यहाँ क्या है, नेगेटिव अंक है, नेगेटिव -1/2, -2/6, -3/6, क्योंकि नेगेटिव में जो भी अंक बड़ा दिखाई दे रहा है वो छोटा होता है। -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, -5/6। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन डाल दी और नीचे क्या है, एलसीएम 11 है, तीनों के नीचे एलसीएम 11 है, तो क्या कर लेते हैं हम, और तीनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर पहले 0, और यहाँ से -1/11, -2/11, -3/11, कहाँ तक, -11/11, या आगे भी आप कर सकते हो, हमें चाहिए कहाँ तक, -9/11 तक, पहले -2/11, -2/11, सेकेंड -5/11, थर्ड -9/11, इनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। कोई 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और जिनमें p और q इंटीजर्स होते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट 1/3, 1/3 है जो 2 से छोटा है, 1/4 भी 2 से छोटा है, 1/2, -1/2, -1/5 ऐसे लिख सकते हैं, -1/6 भी 2 से छोटा है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर हैं, क्योंकि 1/3 में किसकी फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 1, क्यू की वैल्यू 3, दोनों इंटीजर हैं, ये कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें, तो सीधे लिखे जा सकते हैं यहाँ से -2/5 और 1/2, इनके बीच में रेशनल नंबर। अगर हम सीधे, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, तो क्या करेंगे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे अगर दोनों के
सेम है, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, अगर इन दोनों के नीचे 10 10 हो जाए, क्योंकि एलसीएम लेने पर 5 और 2 का एलसीएम 10, एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 5 5 और 2 का एलसीएम, 5 के 5 पर, 5 इंटू 1 5 और 2 2 पर, 2 इंटू 1 2, तो 5 और 2 दोनों में कॉमन है, नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, तो एलसीएम कितना हो गया इनका 10, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज 10। नाउ -2/5, -2/5 एंड 1/2 का एलसीएम 10 है, तो 10 को जो एलसीएम आया 10, 10 को 5 से, नीचे 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया 10 को, 5 से डिवाइड किया 2, तो यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, -2/5 इंटू 2/2, -4/10 एंड आगे 1/2, नीचे क्या है 2 है, तो 2 को 10 से, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ही डिवाइड, 1/2 इंटू 5/5, 5/10, अगेन -4/10 इंटू 2/2 इज इक्वल टू -8/20, यहाँ पर हमको हमने अगेन कर दिया, दोबारा से 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया है, दोबारा क्यों करने की ज़रूरत पड़ी हमें 2/2, ये देखते हैं हम पीछे, यहाँ पर आंसर कितना था -4/10, और यहाँ पर 5/10, और रेशनल नंबर कितने निकालने हैं हमने, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं जो इनके बीच में हो, -4/10, -4/10 एंड 5/10 के बीच में रेशनल नंबर देखते हैं हम कितने हो जाएंगे, -4/10, और जो -4/10 से बड़ा और 5/10 से छोटा, तभी तो इनके बीच में रेशनल नंबर होंगे ना, -4/10 से बड़ा कितना हो जाएगा -3/10, क्योंकि अगर माइनस में है तो जो बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ 4 बड़ा दिखाई दे रहा है परंतु माइनस में है, तो ये 3 से छोटा है क्योंकि आगे माइनस है, तो -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, यानी कि 0, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10, लास्ट 4/10, यहाँ तक कितने रेशनल नंबर हो गए, 9 रेशनल नंबर हो गए, या -3/10 से 4/10 तक 9 रेशनल नंबर हो गए, और चाहिए कितने 10 रेशनल नंबर, इसी कारण से हमें आगे मल्टीप्लाई और करनी पड़ रही है, अगर यहाँ तक 10 हो जाते तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी कारण से अगेन 2/2 से मल्टीप्लाई की, तो कितना आ गया -8/20 और यहाँ 10/20, अब हमारे पास 10 रेशनल नंबर आसानी से आ सकते हैं, तो इनके बीच में 10 रेशनल नंबर -8/20 और -8/20 से बड़ा एंड 10/20 से छोटा होना चाहिए, तो -8/20 से बड़ा -7, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो इसी कारण 7 यहाँ बड़ा है, -7/20, -6/20, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ तक हमारे कितने 10 कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ हम आगे भी लिख सकते हैं 3/20, 4/20, यहाँ कहाँ तक 9/20 तक, परंतु 10 पूछे हैं तो कितने लिखने हैं 10, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर, बिटवीन 5 रेशनल नंबर लिखने के बीच में 2/3 एंड 4/5, तो पहले हम क्या करेंगे 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे हमें, क्योंकि ये हमें अब पता नहीं चल रहा है कि इनके बीच में कौन एग्जैक्ट क्या नंबर है ये, इसी कारण से अगर इनका डिनोमिनेटर सेम हो तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15,
तो यहाँ 15 है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। नाउ 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर कितना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। 2 × 2/3 × 5/5 10/15 एंड 12/15 कितना आ गया आंसर यहाँ से 10/15 और 12/15। यहाँ तक हम कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, 10/15 एंड 10/15 से बड़ा होना चाहिए और 12/15 से छोटा, क्योंकि इनके बीच में लिख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक है, यहाँ तो सिर्फ 11/15 है यहाँ, और लिखने कितने हैं 5 लिखने हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें और करना पड़ेगा। यहाँ देखो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 20/30। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20/30 से बड़ा और 12 है यहाँ पर 24/30 से छोटा, तो इनके बीच में कितने होंगे 21, 22, 23 सिर्फ 3 होंगे, जो लिखने कितने 5। तो यहाँ भी 2 से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर काम नहीं चल रहा है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया जाए 10/15 तो 30, 3 से 30/45 और इस साइड 12 है तो 36/45 कितने हो गए 31, 32, 33, 34, 35। यहाँ 3 से भी काम चल रहा है हमें, 3 से भी काम चल रहा है। अगर 4 से किया जाए तो 4 से भी एग्जैक्ट हो गए, इनके बीच में आ सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ मैंने पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर रखी है, तो क्या करना है 4 से, और आप 3 से भी कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया 40/60 और 4 से मल्टीप्लाई किया 48/60। और ये ध्यान रखना है अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है, 41/60, 42/60, 43/44, 45/60 ये 5 नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो -2 से बड़े होने चाहिए, ये ध्यान रखना माइनस में है, तो आपको लगेगा भी ये छोटे हैं परंतु ये बड़े होंगे क्योंकि माइनस में, -3/2 से बड़ा है, -1/2, 0/1/2 ये 5 रेशनल नंबर, इससे आगे 3/2, 4/2 प्लस का तो चाहे जो भी नंबर है वो इससे बड़ा होगा क्योंकि ये माइनस में है और प्लस से माइनस से बड़ा होता है, इसी ये एग्जांपल लिख दिए 5 रेशनल नंबर -2 से बड़े हैं। यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट है और जो सम बच गए वो आपने करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है उनकी। ओके।